फ्रेंड, आज का आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास मर्सिडीज 350 ML 4 मैटिक कंप्लीट सर्विस के लिए आई हुई है। आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि कंप्लीट सर्विस में हमारे पास क्या क्या काम होता है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने इसका एयर फिल्टर ओपन किया है। हम सारी चीज़ें इसका एयर फिल्टर दिखाइए। ये देख सकते हैं, ये इसका एयर फिल्टर है। ये पूरी तरह से चॉकअप हो चुका है, जिसे कि हम न्यू चेंज करने वाले हैं। आप देख सकते हैं, पूरी तरह से एकदम चॉकअप है। इसमें दो एयर फिल्टर आता है, एक राइट साइड में आता है, एक लेफ्ट साइड में आता है। ये लेफ्ट साइड का था, ये राइट साइड का हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये राइट साइड का है। ये भी देख सकते हैं, ये भी पूरी तरह से चॉकअप है। आप देख सकते हैं, अब इसका हम आपको एसी फिल्टर भी दिखाएंगे। अंसारी जी, इसका एसी फिल्टर निकालिए। इसका एसी फिल्टर ओपन कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका एसी फिल्टर अंसारी जी ओपन कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कितना ख़राब है, पूरी तरह से चॉकअप हो चुका है। इसमें दो एसी फिल्टर आता है, एक ये है और एक ये देख सकते हैं दूसरा, ये भी फटा पड़ा है पूरा। इसे हम दोनों एसी फिल्टर को रिप्लेस करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसका डीजल फिल्टर भी रिप्लेस करने वाले हैं। डीजल फिल्टर आपको अगर ओपन, सिर्फ डीजल फिल्टर ओपन करना रहेगा तो दोनों जो हॉस है इसको पहले ओपन करना पड़ेगा। इसके बाद आप इसको कभी भी, इसका जो सॉकेट है इसे ओपन मत कीजिएगा, नहीं तो इसमें चिक लाइट आ सकता है। इसके लिए हमने इसे ओपन नहीं किया है, दोनों साइड का दो क्लिप खोल के पीछे बाजू कर लिया है। ये देख सकते हैं, इसका डीजल फिल्टर हम ओपन कर रहे हैं। ये देखिए, इसका डीजल फिल्टर है, इसमें भी सेंसर आता है। आपको जब नया सेंसर, नया डीजल फिल्टर लाएंगे तो उसमें सेंसर नहीं आएगा। इसे आपको ओपन करके, दो स्क्रू T30 का जो दिया है, इसे ओपन करके आपको ये सेंसर और नए डीजल फिल्टर में फिट करना रहेगा। जैसा कि फ्रेंड देख सकते हैं, आगे का ब्रेक पैड हमारा अच्छा है, तो इसे हम रिटर्न वही ब्रेक पैड को पॉलिश पेपर मार के और दोबारा फिट कर रहे हैं। देख सकते हैं, इसका पीछे का ब्रेक पैड गया हुआ है, तो इसके लिए हमने इसे अभी इसका डिस्क पॉलिश लेथ पे देंगे। देख सकते हैं, पीछे का ब्रेक पैड इसका गया हुआ है। ये देख सकते हैं, चारों पीस इधर रखा हुआ है, इसका ब्रेक पैड गया हुआ है। इसके लिए हमारे अंसारी जी इसका डिस्क ओपन कर रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड हमने आपको बताया था कि इसका रियर ब्रेक पैड गया हुआ है, तो इसका देखिए, आप देख सकते हैं, इसका डिस्क भी पूरा कॉलर आ चुका है, जिसे हम मशीनिंग करेंगे और इसे लेथ पे भेजेंगे। इसका देख सकते हैं, हैंड ब्रेक लाइनर है। आपको हम दिखाते हैं, देखिए ये ऑलरेडी थोड़ा क्रैक हो चुका है, तो इसे भी हम रिप्लेस करेंगे। ये हैंड ब्रेक लाइनर है और ये इसका ब्रेक पैड है। देख सकते फ्रेंड, ये इसका ब्रेक पैड है, रियर ब्रेक पैड, और ये रियर ब्रेक पैड सेंसर, ये भी हम इसका रिप्लेस करेंगे। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये 4Matic मर्सिडीज़ का हमने जितने भी पार्ट्स है उसे अरेंज कर लिए हैं। ये देख सकते हैं, ये इसका न्यू एयर फिल्टर है, ये दूसरा एयर फिल्टर है, ये दोनों एसी फिल्टर है, ये ऑयल फिल्टर है, ये डीजल फिल्टर है, और ये इसका रियर ब्रेक पैड है। ठीक है फ्रेंड, अब ये पूरे पार्ट्स को हम फिट करेंगे और उसके बाद दिखाएंगे। पीछे का आप देख सकते हैं, हमने डिस्क भी मशीनिंग करके ला दे चुके हैं। ये देखिए, अभी फिटिंग करना चालू है। देख सकते हैं फ्रेंड, इसलिए तो हमने मशीनिंग किया है और ये न्यू ब्रेक पैड है जो फिट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, ये फिटिंग करने के बाद, प्रॉपर होने के बाद हम आपको आगे का वीडियो बताएंगे। हाय फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी मर्सिडीज़ गाड़ी 350 पूरी तरह से प्रॉपर फिट हो चुकी है। इसका हमने जो भी पार्ट खोला था
उसे फिट कर दिया है, आप देख सकते हैं ये एयर फिल्टर का जो बॉडी है उसे हमने फिट कर दिया है, ये देख सकते हैं। इसका डीजल फिल्टर भी हमने चेंज कर दिया है, ये देखिए आप न्यू आपको दिखाई दे रहा है। ये भी राइट साइड का भी एयर फिल्टर हमने फिट कर दिया है। आगे का ब्रेकेट का भी काम हो चुका है, थर्ड टायर लगाना बाकी है, पीछे का हमने टायर लगा के डाउन कर दिया है। राइट साइड का भी हमारा पूरी तरह से प्रॉपर फिट हो चुका है, हाई टायर व्हील लगाना बाकी है, देख सकते हैं आप, सिर्फ व्हील लगाने का है और डाउन करने का है। ये गाड़ी का काम पूरी तरह से फुल कंप्लीट सर्विस पूरी तरह से हो चुका है, सिर्फ हमें व्हील दोनों लगा के और डाउन करना है, बस इतना ही काम बाकी है। इसके बाद कार वॉश करके कस्टमर को डिलीवरी कर देना है। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमारी मर्सिडीज़ 350 ml गाड़ी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, हमने इसे वॉशिंग भी कर दिए हैं। वॉशिंग करके इसमें जहाँ जहाँ पॉलिश लगता है ब्लैक ब्लैक पॉलिश उसे मारकर हमने ये गाड़ी को रेडी कर चुका है, और अभी हम फिलहाल जस्ट इसका ट्रायल भी टेस्ट ड्राइव भी लेके आए हैं। हमारी गाड़ी ये पूरी तरह से ओके है, अब हम इसे एक घंटे बाद कस्टमर को रेडी करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये गाड़ी पूरी तरह से वॉश हो चुकी है, इसका टेस्ट ड्राइव भी हो चुका है, बस एक घंटे बाद कस्टमर आने वाले हैं, अब हम इसे कस्टमर को डिलीवरी करेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। आप देख सकते हैं पूरी तरह से हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है और टेस्ट ड्राइव भी हो चुकी है, अब इसमें कोई ये गाड़ी में किसी तरह का कोई कंप्लेन नहीं है। अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।